इतना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ज्ञापन को पढ़ा इन्होंने, उसकी एक एक बात मैं पहले से जानती हूँ। आप
लोगों से जुड़ाव है मेरा, पहले से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि आप लोग क्या क्या काम करते हैं, क्योंकि कहीं पे भी आपदा आती है तो सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, बहनों को बुलाया जाता है, चाहे वो नागरिकता का की गिनती करना हो या फिर इलेक्शन ड्यूटी हो, मतदान करवाना हो, मत पर्ची बांटना हो। हमने आप बहनों को देखा है कोविड कार्यकाल में, जब कोई घर से नहीं निकल रहा था तो घर घर जाके सबका टेम्परेचर नापने तक का काम आप बहनों ने किया है, उसके लिए कोई कभी आप लोगों को भूल नहीं सकता है। आप लोगों के इस सेवा भाव को देखते हुए, आप लोगों के इस कार्य क्षेत्र को देखते हुए, ये कैटेगरी बनाई गई थी कि महिलाओं को रोजगार मिलेगा और उनको कहीं ना कहीं काम से लगाएगा। हम लोग अपनी जो लंबित बहुत समय से जो मांग है हमारी नियमितीकरण, उसको लेकर आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। और इसमें सबसे मुख्य था हमारा जो एक राज्य सरकार ने संपर्क ऐप चलाया है और वो ऐप चल नहीं रहा है, और जिसके कारण जैसे उपस्थिति लगाने के बाद भी वो अब्सेंट बताता है, तो सुपरवाइजर और अधिकारी दबाव बनाते हैं कि आप लोगों ने उपस्थिति नहीं लगाई आपका मानदेय कटेगा। तो ये एक तो मुख्य मांग थी। उसके अलावा हमारी विभिन्न मांगे थी, जैसे नियमितीकरण और जो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका है अभी अप्रैल 2023 के बाद रिटायर हुई, उनके रिटायरमेंट की राशि एक मुश्त से 1,00,000 और 1,25,000 मिलना था, वो नहीं मिला, उसके लिए आए थे हम लोग। और जुलाई 1 जुलाई 2024 से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 1,000 और सहायिकाओं को 500 रुपये बढ़कर मानदेय मिलेगा, वो लागू किया जाए जल्द से जल्द, ये सब मांगे हमारी थी। वो नियम है शासन का कि 3 से 6 साल के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका देगी, लेकिन हर जिले की समस्या है कि 2.5 साल के जो बच्चे हैं वो भी प्राइवेट स्कूल में प्ले स्कूल में जाने लगते हैं, तो 2.5 साल से ही एडमिशन बच्चों के हो जाते हैं। अब ऐसे में आंगनबाड़ी में बच्चे कैसे आए? तो ये भी है कि अगर बच्चों का प्रवेश जो प्राइवेट स्कूल है वो 5 साल बाद दें, 5 साल तक बच्चा आंगनवाड़ी में अनिवार्य रूप से पढ़ाई करें, उसके बाद ही वो स्कूलों में एडमिशन दिया जाए। अभी आपकी चर्चा हुई अधिकारी से, क्या कुछ बोला उन्होंने? हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी ने हमारा ज्ञापन लेते हुए हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हमारी जो भी समस्या है सबका निराकरण करेंगे, और उनके द्वारा बताया गया कि जिले में 19 कार्यकर्ता है और सहायिका जो रिटायर्ड हुई है उनके खाते में 1,25,000 जो एक मुश्त से जो मिलना था राशि वो डाल दी गई है, बाकी की लिस्ट भी उन्होंने हमसे मांगी है और जल्द से जल्द वो लिस्ट हम देंगे और फिर उनके राशि भी उनके खाते में डल जाएगी। मेरा नाम रानी सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका।